लोकसभा में बुधवार को हंगामे के बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। दरअसल संसद के विशेष सत्र के तीसरे तीन महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही थी। विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे जैसे ही खड़े हुए तो विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और किसी महिला सांसद के नहीं बोलने पर आपत्ति जताई, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिलाओं के बारे में भाइयों को भी आगे बढ़कर सोचना चाहिए। निचले सदन में संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने की। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे का नाम लिया और उन्होंने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य शोर शराबा करने लगे। विपक्षी दल महिलाओं को अधिकार देने से जुड़े विधेयक पर चर्चा में सत्ता पक्ष के प्रथम वक्ता के रूप में किसी महिला सदस्य को मौका नहीं दिए जाने पर आपत्ति जता रहे थे। गृह मंत्री शाह ने इस पर कहा कि महिलाओं के बारे में चिंता करने का अधिकार सभी को है। उन्होंने सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का नाम लेते हुए पूछा कि क्या महिलाओं की चिंता केवल महिलाएं ही करेंगी, पुरुष उनकी चिंता नहीं कर सकते हैं? आप किस प्रकार के समाज की रचना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि महिलाओं की चिंता और उनके हित के बारे में आगे बढ़कर उनके भाइयों को सोचना चाहिए और यही इस देश की परंपरा है। दुबे ने कहा कि कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह लोकतंत्र का गला घोटते हैं, मैं इसका उदाहरण हूँ। उन्होंने कहा कि महिलाओं के कारण ही यहाँ पुरुष भी हैं। महिलाओं की चिंता क्या सिर्फ महिलाएं ही करेंगी? क्या पुरुष महिलाओं की चिंता नहीं कर पाएंगे? देश इससे आगे बढ़े, आखिर इससे उन्हें क्या आपत्ति है? ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।